तमिलनाडु। तमिलनाडु में पीएफआई से जुड़े मामले में एनआईए की 4 जिलों में छापेमारी, एक शख्स हिरासत में। खरगोन बस एक्सीडेंट। मध्य प्रदेश के खरगोन में बड़ा हादसा, 50 फीट ऊंचे पुल से नीचे गिरी बस। हादसे में 10 से अधिक मौतों की सूचना है, प्रशासन ने अब तक पुष्टि नहीं की है। ओडिशा, महिला की जान पर भारी पड़ा बिना चावल के सब्जी बनाना, गुस्साए पति ने कर दी हत्या। सुप्रीम कोर्ट, उम्र कैद की सजा काट रहे 1958 कैदी जेल में बिता चुके 14 साल, यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी। महाराष्ट्र, पुणे में बेकाबू टैंकर बाइक को रौंदते हुए खाई में गिरा, 2 की मौत। आरएसएस, संघ पदाधिकारी ने मीडिया को दी नसीहत, कहा बिना पक्ष लिए सच को सामने रखें, हम फेक न्यूज के सबसे बड़े शिकार। कर्नाटक, बढ़ सकती है कांग्रेस की मुश्किलें, चुनाव आयोग ने कर्नाटक की संप्रभुता से जुड़ी पोस्ट पर खड़गे से मांगा जवाब। केरला, कन्नूर में वंदे भारत एक्सप्रेस पर उपद्रवियों ने किया पथराव, राज्य में 2 सप्ताह के भीतर दूसरी घटना। मणिपुर, निगरानी क्षमता बढ़ाने का काम जारी, सामान्य हालात बनाने को दिन रात सेना और असम राइफल्स कर रही काम। कर्नाटक, हर कर्नाटकवासी का सपना, मेरा सपना, पीएम मोदी बोले हमें कोई नहीं रोक सकता। कर्नाटक इलेक्शन, वीएचपी सदस्यों को हनुमान चालीसा का पाठ करने से रोका, चुनाव आयोग ने दिया धारा 144 का हवाला। वेस्ट बंगाल, आज पश्चिम बंगाल के एक दिवसीय दौरे पर अमित शाह, रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती समारोह में करेंगे शिरकत। ओडिशा, राज्यपाल गणेशी लाल ने सरकार से मांगी रिपोर्ट, राष्ट्रपति मुर्मू के भाषण के दौरान 9 मिनट तक कटी बिजली। तेलंगाना, खुद को जागीरदार समझती है बीआरएस, प्रियंका ने सरकार पर लगाया किसानों युवाओं की उपेक्षा करने का आरोप।